हर एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखो इन्फिनाइट लैडर नेटवर्क पर हर एक क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। अब ये बोर्ड की न्यू सिलेबस, बोर्ड की न्यू सिलेबस ने ये क्वेश्चन ऐड किया बेटा, ये जो पढ़ाने वाला हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन है बेटा, ये ऐड कर देंगे ठीक है। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर टू है बेटा बोर्ड में ठीक है, करंट डेंसिटी क्वेश्चन नंबर टू, वहाँ भी देखो टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन नंबर टू है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ओके। सो देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन, फाइंड फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये कैलकुलेट करना मुझे अक्रॉस ए एंड बी ठीक है। देखो नेटवर्क, नेटवर्क देखिए ए बी राइट ओके, सो राइट हाँ ओके, सो यहां बेटा वन ओम, ये टू ओम दे दिया क्वेश्चन, ये वन ओम टू ओम वन ओम, ये रेजिस्टेंस की बात मुझे फाइंड आउट करना, सेम मेथड क्या करना चाहिए मैं बता दो, ये आइडेंटिकल ये कंपोनेंट सेम ब्रांच है, देखो ये स्ट्रक्चर दिस इज स्ट्रक्चर, तो ये ब्रांच एक सेल, ये कंपोनेंट के बाद कट कर दीजिए, ये कंपोनेंट के बाद कट कर दो बेटा, ये टू ओम है, ये कंपोनेंट के बाद सर्किट कट कर रहा हूँ देखिए, सो दैट इज आई एम टेकिंग हियर, ये ले लीजिए आर वैल्यू जो आपको चाहिए, इट्स वेरी लार्ज वैल्यू, ये टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा आ रही है, very large value, you are adding very small, but small value add कर रहा हूँ, तो you can get that value, very large value, that is क्या बेटा ये, क्या ये R value, you can get here R value, clear, okay, so अब देखो, therefore, अभी क्या होना चाहिए, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों अब ये सर्किट डायग्राम मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो ए इट इज बी, ये क्या बेटा वन ओ इट इज टू ओ, हाँ यहाँ रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करना मुझे आर वैल्यू, आर दिस इज नथिंग बट अगेन आर, ये क्या बेटा ये आर वैल्यू है, ये भी क्या है आर वैल्यू, हाँ ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल के लिए फार्मूला R1 R2 upon R1 plus R2 right, और ये resultant ये 1 को क्या बेटा series में, तो therefore twice R upon R plus 2 R plus 2 ये क्या बेटा series में, ये plus 1 is equal to R is equal to R, तो therefore twice R प्लस मल्टीप्लाई कीजिए R प्लस 2 डिवाइड बाय R प्लस 2 इक्वल टू R इज इक्वल टू R, देखो क्या होगा बेटा राइट, ट्वाइस R प्लस R 3R प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई कर दो इसे दैट इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ट्वाइस R, हाँ आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर माइनस थ्री आर माइनस टू इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो सेम अदर फैक्टर्स फॉर्मूला पता आपको, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए, ये फार्मूला बेटा, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू ये इक्वल टू वन वन, बी इक्वल टू माइनस वन, बराबर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हाँ सी इज इक्वल टू माइनस टू, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, देयरफॉर ओके एक्स इज इक्वल टू माइनस राइट बी वैल्यू बेटा, बी वैल्यू, बी वैल्यू क्या देखिए, बी वैल्यू इज एक्स के प्लेस में क्या बेटा ये आर है, आर ले लीजिए, हाँ बी वैल्यू माइनस वन, मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, पॉजिटिव साइन पता है आपको रेजिस्टेंस डेवलप नेगेटिव,
अंडर रूट ऑफ b b वैल्यू b स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर नथिंग बट वन माइनस वन स्क्वायर नथिंग बट वन माइनस ऑफ फोर a वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो a वैल्यू इज इक्वल टू वन और ये बेटा माइनस टू डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए ट्वाइस ये इक्वल टू वन हो गया सॉल्व कर दीजिए देयरफॉर r इक्वल टू वन वन अंडर रूट ऑफ वन या माइनस टू है ना दैट्स प्लस प्लस या इट डिवाइडेड बाय टू देयरफॉर आर वैल्यू कितना बेटा वन प्लस ये रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू तो आंसर बेटा क्या होना चाहिए फोर फोर आंसर क्या होना चाहिए वन प्लस थ्री बाय टू दैट इज क्या बेटा फोर बाय टू तो आंसर इज टू ओ दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर ओके क्लियर ये न्यू सिलेबस बोर्ड में क्वेश्चन दिया था यही क्वेश्चन से क्वेश्चन इन्फिनिट लैडर नेटवर्क ठीक है नाउ आपके लिए हाई वर्क नाउ इट इज फॉर यू ये आपके लिए गिफ्ट है फॉर यू और सॉल्व कीजिए ओके एंड एंजॉय दी लॉकडाउन वेकेशंस राइट नाउ फाइंड फाइंड आर ए बी इक्वल टू हाउ मच ए बी रेजिस्टेंस वैल्यू ठीक है ओके हाँ यहां बेटा मैं रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूं वन ओम यहां थ्री ओम ले रहा हूं यहां वन ओम ले रहा हूं यहां थ्री ओम ले रहा हूं वन ओम ओके तो मुझे अक्रॉस ए एंड बी फाइंड आउट सेम मेथड प्रैक्टिस कीजिए ओके डू इट क्लियर राइट हर एक क्वेश्चन लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ राइट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थ्री फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनस अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनस ओके ये फाइंड आउट सो तो बेटा देखिए ए एंड बी मुझे कैलकुलेट करना है तो मेथड क्या बनाएगा इमीडिएटली कंपोनेंट देखो ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट ठीक है सेम तो क्या करना चाहिए ये कंपोनेंट के बाद इमीडिएटली सर्किट कट कर दो कट कर दिया मान लीजिए ये वैल्यू क्या बेटा ये क्या ये x वेरी लार्ज वैल्यू द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल दिस रेजिस्टेंस वेरी लार्ज वैल्यू यू आर एडिंग वेरी स्मॉल तो यू कैन गेट वेरी लार्ज वैल्यू पता ये ऑलरेडी पढ़ा है ओके हां तो क्या होगा बेटा यहां इट इज a और ये b हां रेजिस्टेंस ठीक है यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है बेटा देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस है आर 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 और ये वैल्यू एक्स जो मुझे कैलकुलेट करना है ये एक्स वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है इट इज नथिंग बट एक्स तो कम ऑन बता दो ये दोनों कैसे बेटा ये पैरेलल आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ओके हाँ और ये इसका जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट इसका जो रिजल्टेंट है ये R और R क्या है सीरीज में therefore Rx upon Rx upon R plus S Rx upon R plus S plus ये और ये दोनों भी सीरीज में that is R plus R that is nothing but X value that is your answer बोल तो ये जो value है कैलकुलेट करना है इसमें तो क्या हुआ बेटा R X upon r plus x plus twice r that equal to x that equal to x okay so therefore r x multiply कर दो multiply कीजिए r x plus twice r x divided by क्या होगा r plus x is equal to x ये 3 rx plus 2 rx twice r square ये multiply कीजिए come on rx plus x square next क्या करना है कि x square मुझे x value चाहिए bring this terms
इस डायरेक्शन x स्क्वायर प्लस rx माइनस 3r स्क्वायर 3rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस ट्वाइस rx माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस आर, सी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ बेटा देखिए, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस आर, सी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व स्क्वायर। ओके थोड़ा डायरेक्ट स्टेप भी लिखते जाओ, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला पता है आपको है ना, माइनस बी दो बार लिख दिया में, माइनस बी वैल्यू क्या बेटा यहाँ, बी वैल्यू माइनस ट्वाइस आर, पॉजिटिव लेना चाहिए, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू आर, माइनस टू आर स्क्वायर दैट इज फोर आर स्क्वायर, बराबर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस फोर, ए वैल्यू बेटा ए वैल्यू वन, ए वैल्यू वन, सी इज इक्वल टू माइनस टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ए इक्वल टू वन। मैं सॉल्व करने के पहले आपको सॉल्व कर दूंगा फटाफट, ओके सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आर प्लस अंडर रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर ये माइनस माइनस पॉजिटिव एट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ओके राइट। देखो बेटा x इज इक्वल टू ट्वाइस आर, x इज इक्वल टू ट्वाइस आर प्लस ये क्या होगा बेटा ट्वेल्व, ट्वेल्व आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, x इज इक्वल टू ट्वाइस आर प्लस ट्वेल्व, यू कैन राइट हियर, क्या लिखना चाहिए बेटा, ट्वेल्व कैन बी रिटन एज, आप ये फोर इंटू थ्री लिख सकते, फोर इंटू थ्री रूट ऑफ फोर की मेरी क्या बेटा टू, तो टू बाहर ले लीजिए बाय रूट थ्री कह रहा है ठहरा, समझा कि नहीं, सिंपल है, ओके डिवाइडेड बाय टू, तो एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आर टेक आउट साइड वन रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो टू टू गेट्स कैंसल, तो अल्टीमेट योर आंसर इज x is equal to root 3 plus 1 into r. This is your answer. Okay? Clear?